हेलो फ्रेंड्स, आई थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल। माय नेम इज़ एडवोकेट कविता। होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिचुएशन इफ यू आर इन ए फियर दैट ए पर्सन इज गोइंग टू फाइल ए सूट अगेंस्ट यू, देन हाउ कैन यू स्टॉप द एक्स पार्टी डिसीजन और द वन साइडेड डिसीजन अगेंस्ट यू, देन दिस वीडियो इज़ परफेक्टली फॉर यू। आज हम इस वीडियो में फ्रेंड्स इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपके अगेंस्ट कोई पर्सन है जो केस फाइल कर सकता है और आपको डर है कहीं वो आपकी एब्सेंस में, आपकी गैर हाजिरी में आपके अगेंस्ट ही कोई फैसला, आपकी बिना सुनवाई के आपके अगेंस्ट कोई फैसला लेकर ना चला जाए, या आपके अगेंस्ट किसी भी तरह की कोई एक्स पार्टे डिक्री ना हो जाए कि आपके नोटिस में नहीं है किसी तरह का आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल किया गया था और वो आपकी एब्सेंस में है जो एक तरफा फैसला सुना दिया जा सकता है, तो इस तरह का अगर आपके फियर कुछ माइंड में है तो बेसिकली दिस वीडियो इज़ परफेक्टली फॉर यू। बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्शन 148A ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, दैट इज अबाउट द केविट एम्प्टर। जो सेक्शन 148A है सीपीसी का, वो बात करता है लेट द पर्सन बी अवेयर। जो अब केव अटेम्प्टर की हम नेचर के बारे में बात करते हैं, केव अटेम्प्टर इस सिचुएशन के बारे में बात करता है। अगर आपको कहीं ना कहीं ये डाउट है, कहीं ना कहीं फियर है कि इस नाम का जो पर्सन है मेरे अगेंस्ट किसी भी तरह की सूट और प्रोसीडिंग फाइल कर वो मेरे अगेंस्ट एक तरफा फैसला एक्स पार्टे डिक्री है जो ले सकता है, या मेरे बिना ही मेरी अब्सेंस में वो कुछ इस तरह की डिक्री है और या ऑर्डर है अपने हक में ले सकता है, तो वहाँ पर है जो केविट एम्प्टर की जो एप्लीकेशन है वहाँ पर फाइल की जाती है अंडर कोर्ट। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ जो फ्यूचर में होने वाले, जो आपको फियर है कि कोई पर्सन आपके अगेंस्ट फ्यूचर में कोई केस फाइल कर सकता है और आपकी अब्सेंस में वो वन साइड जो डिक्री है अपने फेवर में लेकर जा सकता है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये अगर कोई ऐसा केस है जो फाइल हो चुका है और आपको उसकी कहीं ना कहीं आपके नॉलेज में है और या इन प्रोसेस में है, तो वहाँ पर भी आप केविट की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। केविट का मेन मकसद जो होता है वो यही होता है कि आपकी अब्सेंस में किसी भी तरह का कोई फैसला ना किया जाए। अगर जो पर्सन है अभी फ़िलहाल जिसने केस फाइल कर दिया है या वो फ्यूचर में कभी भी केस फाइल करेगा, तो कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द केविट ये बनती है, जब भी कुछ इस तरह की एक्टिविटी होगी इस केस से रिलेटेड वो आपकी अब्सेंस में नहीं होगी, आपको सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा और आपकी प्रेजेंस में ही जो कोर्ट की कार्यवाही है उस केस में वो की जाएगी। है जो केविट है, ये देखा जाए जो प्रोसीजर है केविट का, ये दिया गया है सिविल प्रोसीजर कोड में, तो इस तरह से जो केविट की एप्लीकेशन है आप सिर्फ और सिर्फ जो सिविल केसेस होते हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से जो ये ज्यूरिडिक्शन है ये बन जाता है हमारा ओनली फॉर द सिविल प्रोसीडिंग्स। अब अगर प्रॉपर वे से इसकी हम प्रोसीडिंग्स के इसके ज्यूरिडिक्शन की बात करें कि जो केविट की जो एप्लीकेशन है आप किन किन एरियाज में अप्लाई कर सकते हैं, तो जो एक इसमें लीडिंग केस है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नाम शो भी हो रहा होगा केस का, इसमें यह बोला गया था जो केविट है, केविट सिर्फ और सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए ही फाइल किया जा सकता है, ना तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए फाइल किया जा सकता है और ना ही किसी पिटीशन के लिए जो कि आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर अगर कोई पिटीशन फाइल की जाती है तो वहां पर भी जो केविट है उसका जो रूल है, उसकी जो एप्लीकेशन है वहां पर लागू नहीं हो। ज्यूरिडिक्शन में ब्रॉड सेंस में मतलब ये है, इसका जो ज्यूरिडिक्शन बनता है सिविल कोर्ट्स का, जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बनता है जहां पर आपको लगता है, ये नहीं कि आप बैठे दिल्ली में ज्यूरिडिक्शन बन रहा है और उठा के आप बॉम्बे में फाइल कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर जो केस का ज्यूरिडिक्शन है और जहां पर आपको लगता है कि यहां पर मेरे अगेंस्ट केस फाइलिंग हो सकती है, इसके लिए आप केविट लगा रहे हैं, तो आपको जहां जिस ज्यूरिडिक्शन के रिगार्डिंग कंफर्म है कि यहां पर मेरे अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है, तो वहां पर ही आपको केविट अप्लाई करनी है। हाँ जी, प्रॉपर ज्यूरिडिक्शन में आपको जो आपका सिविल ज्यूरिडिक्शन बनता है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो बनेगा सिविल कोर्ट का, वहां पर आपको केस फाइल करना है। अब यहां पर काफी बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इसके अंडर क्या हम अपील को भी इंक्लूड करेंगे? हाँ जी, हम इसमें जो सिविल अपील्स हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे। अपील्स के अकॉर्डिंग जो ज्यूरिडिक्शन बनता है सिविल कोर्ट्स का, तो वहां पर भी ये इसके अंडर ही ज्यूरिडिक्शन में कंक्लूड किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स प्रॉपरली बात हो गई अबाउट द ज्यूरिडिक्शन। और अब मैं आपको जैसे बताने जा रही हूँ कि
अगर आपको लगता है आप जो केविट हैं, जैसे ही आपने केविट को फाइल किया तो कुछ तो प्रोसीजर होगा उसके रिगार्डिंग कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो फ्रेंड जैसे कि आप है जो केविट है, केविट के आप फाइल करते हैं, उसमें सारी डिटेल्स हैं आप देते हैं। जैसे ही आप केविट फाइल कर देते हैं तो आपको प्रॉपर वो केविट की जो एप्लीकेशन आपने लगाई है और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको पार्टी को नोटिस रजिस्टर्ड एडी के थ्रू आपको उनको भेजने पड़ते हैं। जो आपने केविट फाइल की है ना, आपको वो पार्टी को विद अदर डॉक्यूमेंट्स आपको पार्टी को भेजने पड़ेंगे जिसके अगेंस्ट आप केविट फाइल कर रहे हो। तो आपको जब केविट फाइलिंग आप कर देंगे तो आपको उस पर्सन को भी वो सब नोटिस वगैरह भेजने पड़ेंगे कि मैंने भी तेरे खिलाफ ऐसे ऐसे केविट की जो एप्लीकेशन है कोर्ट में लगा दी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो केविट है काम करता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है राइट के बारे में, क्या कोई हर कोई पर्सन उठकर केविट के लिए अप्लाई कर सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर कोई पर्सन केविट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। या तो बेसिकली आप प्रॉपर पार्टी हैं कि भाई आपका जो राइट है, जो आपका सब्सटेंटिव राइट है, टोटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं टोटली इफेक्ट हो रहा हो, आप अगर वो आपके अगेंस्ट केस फाइल करता है तो आप उस सूट की एक पार्टी होगा। और इन अदर सेंस अगर आप खुद उस केस की पार्टी नहीं बनेंगे, अगर वो जो पर्सन है आपके अगेंस्ट केस फाइल करेगा, अगर आप उसकी पार्टी नहीं भी हैं इन अदर वे, तो वहाँ पर आपका राइट किसी थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्ट होता हुआ हो अगर, तो भी आप केविट है जो फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो एक टोटली स्ट्रेंज पर्सन है जिसका कोई भी राइट किसी भी वे में इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो केविट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। केविट के लिए सिर्फ अप्लाई वो ही कर सकता है जिसके लिए प्रॉपर और प्रॉपर आप कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं अपने राइट के लिए। आप अपनी लोकस स्टैंडाई प्रूव कर सकते हैं कि मेरा ये राइट है, ऐसा करने से मेरा ये राइट वॉयलेट हो जाएगा, इसलिए मैंने केविट की जो एप्लीकेशन लगाई है कि मेरी अपसेंस में कोई भी फैसला मेरे अगेंस्ट ना हो, मुझे सुनवाई का पूरा मौका दिया जाए, मुझे कोर्ट की तरफ से इन्फॉर्म किया जाए अगर इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी केस मेरे अगेंस्ट फाइल किया जाता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि केविट अटेम्प्टर का जो लिमिटेशन टाइम है वो क्या है। जैसे आपने मान लो आज की डेट में केविट जो है इसकी फाइल, जैसे कि मान लो आज की जो डेट है आपने केविट की एप्लीकेशन लगा दी है अंडर सेक्शन 148A ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, लेकिन जो ये कोर्ट इसको अपने नोटिस में रखेगा, इसके लिए कोर्ट अवेयर सिर्फ और सिर्फ जो रहेगा वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ 90 दिन के लिए, सिर्फ 90 डेज के पीरियड के लिए। कहने का मतलब ये है कि आपने केविट के लिए फाइल कर दिया, ठीक है कि कुछ भी ऐसा केस मेरे अगेंस्ट आता तो मुझे इन्फॉर्म किया जाए, तो कोर्ट इसको अपने सुपरविजन में सिर्फ कोर्ट है इस चीज़ को नोटिस में रखेगा और इन 90 डेज में अगर कोई आपके अगेंस्ट केस फाइल होता है तो कोर्ट आपको नोटिस सर्व कर देगा कि आप अपीयर होकर अपने आप को डिफेंड करें। लेकिन अगर 90 दिन के अंदर ऐसी कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की जाती है तो वहाँ पर कोर्ट आपको नोटिस नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने उस केस के रिगार्डिंग अप टू डेट नॉलेज रहे कि आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल हुआ है या नहीं हुआ है, तो 90 दिन के बाद आपको फिर से केविट के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अगर होप सो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा इसके नेचर के बारे में, टाइम लिमिट के बारे में, राइट्स के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।